हमारा टॉपिक वाटर, क्लास 7th, सब्जेक्ट ज्योग्राफिया। इसका हम पहला अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड? यू थिंक ऑफ रिवर्स, द वाटर फॉल्स, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स। जब हम पानी के बारे में सोचते हैं, कौन सी इमेज हमारे दिमाग में आती है? पानी रिवर्स में होता है, वाटर फॉल्स, पिटर, बारिश नलकों में। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पैडल्स। जब बारिश का पानी जमा हो जाता है या पानी में, बच्चे जो होते हैं कागज़ की किश्ती बनाते हैं और उसको पानी में चलाते हैं। बाई नून द पैडल्स वैनिश। दोपहर के टाइम जो ये किश्ती होती है कागज़ की, ये ख़त्म हो जाती है पानी में। वाई डज द वाटर गो, ये पानी कहाँ जाता है? टेरिट्रियम, इट इज़ एन ग्लॉसरी, टेरिट्रियम इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। मेक यूर ओन टेरिट्रियम, फिल 1/4 ऑफ बिग जार विद सॉइल एंड प्रेस इट वेल। एक जार लाओ, इसमें मिट्टी भर दो। पुट ए थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर ह्यूमस की लेयर डाल दो। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम। पहले सबसे बड़ा पौधा लगाओ, फिर उसके बगल में छोटे छोटे पौधे लगाओ। स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर एंड क्लोज द जार, अब इसको पानी डाल दो, छिड़क दो और जार को बंद कर दो। द वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्राम द लीव्स एंड सॉइल कंडेंसेड एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ड्रॉप्स ऑफ वाटर। द सन्स हीट काज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इंटू वेपर। When the water vapor cools down, जब यह पानी ठंडा हो जाएगा, it condenses and forms clouds। जब यह condense हो जाएगा तो ये clouds बनाता है। From there it may fall on the land or sea in the form of rain। उसके बाद ये ज़मीन पर गिरता है या समुद्र में गिरता है as a form of rain, snow or sleet। The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। पानी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, वाटर, स्लीट। यही प्रोसेस कंटिन्यू जाती है। और अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम, हमारी अर्थ भी एक टेरेरियम की जैसी है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट्स टूडे, जो हजारों साल से, सौ सालों से चलता आ रहा है, वही प्रोसेस चलती आ रही। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लो डाउन द अमेजॉन रिवर 100 years ago। बेटा मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसको अपने घर में एक दो बार रीड कीजिएगा ताकि ये पूरा आपको टॉपिक समझ आ जाए। और आपको पता है आज कौन सी महामारी आई है जिससे हम जूझ रहे हैं? इससे हमें बचना है, इसके लिए हमें अपने घरों में रहना है। जो ये स्टे होम स्टे सेफ का लागू है, इसका पालन करना पड़ेगा। और कुछ खाने से पहले अपने हाथों को किसी भी साबुन से धोना पड़ेगा। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। बाहर जाते समय अपने मुंह को मास्क से ढकना है। भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना है। मार्केट प्लेस पे जाना अवॉइड करना है। और जो हमारे नेबर्स हैं उनको भी खबरदार करना है कि साफ़ सफाई रखो अपने आस पड़ोस में, ताकि ये बीमारी ना लग पाए। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।